जनपद बहराइच के जरवल विकास खंड के अंतर्गत स्थापित आवासीय छात्रा बालका कस्तूरबा विद्यालय में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और हमारे बीच में इस विद्यालय की जो प्रधानाचार्य हैं वो भी मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरवल से ब्लॉक प्रमुख मनीष प्रताप सिंह एडवोकेट के अथक प्रयास से इस विद्यालय का कायाकल्प हुआ है। मैं इस पूरी वीडियो में आगे तक मैं आपको दिखाऊंगा भी। मेरे बीच में मैडम है, तो मैडम नमस्ते, बहुत अच्छा लगा है जिस तरीके से इस विद्यालय को हमने देखा भी है, मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। तो क्या क्या कायाकल्प हुआ है इसमें? हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा सब जगह शौचालय में, पुस्तकालय में और पूरे विद्यालय में टाइल्स का कार्य हुआ है। इनके द्वारा रंगाई पुताई का कार्य हुआ है, बैरिकेटिंग करवाई गई है, एक गार्ड रूम की व्यवस्था हुई है। एक चीज और देखा, चार दीवारी पे तार भी लगाए गए हैं, क्या ऐसा भी? हाँ, तार भी लगवाए हैं जी। नहीं, तो अंत में हम यही आपसे जानना चाहेंगे, इतना अच्छी तरीके से प्रमुख मनीष प्रताप सिंह ने काम किया है, तो धन्यवाद के तौर पे क्या जी, इसके लिए हम अपने विद्यालय परिवार की तरफ से इनको कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। इनका प्रयास जो है सराहनीय रहा है, और भविष्य में इनसे और भी उम्मीद रखती हूँ, कहीं हमको कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो प्रमुख जी से मैं निवेदन करूँगी कि पुनः हमारे विद्यालय में आएँ और हमारे विद्यालय का विकास करें, इसको आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद। देखिए, मैडम जी ने अपनी बात को रखा है, और मैं इस चैनल के माध्यम से प्रमुख जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने अथक परिश्रम से इस कस्तूरबा छात्रा आवासीय विद्यालय को उन्होंने चमकाने का काम किया है। और मैं रिपोर्ट में पूरी आपको आगे तक दिखाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि इसे आप लाइक भी करते रहिए। और दोस्तों, आज प्रमुख मनीष प्रताप सिंह एडवोकेट के विकास कार्यों की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो चरवल में स्थापित कस्तूरबा गांधी बालका विद्यालय से मैं रिपोर्ट दे रहा हूं। मैं अब आपको अंदर विद्यालय ले चल रहा हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहां पर गार्ड रूम बना है, ये नए तरीके से यहां पर बनाया गया है, और ये सामने तस्वीरों में आप बालका विद्यालय की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, कस्तूरबा, ये आप सामने बोर्ड देख रहे हैं। मनीष कुमार सिंह एडवोकेट ब्लॉक प्रमुख जरवल के सौजन्य से इस विद्यालय का कायाकल्प हुआ है। मैं एक एक कर आप विकास कार्य की सूची में सर्वप्रथम कस्तूरबा गांधी बालका विद्यालय को हमने शामिल किया है, उसी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये सभी तस्वीरें आप ऑफिस की देख रहे हैं, कस्तूरबा गांधी बालका विद्यालय से। और ये मैं अंदर आपको दीवारों को दिखा रहा हूँ, क्या सफेद तरीके से छत व आप देख रहे हैं फिरोजी कलर का यहाँ पर दीवार है, और इसका पूरा कायाकल्प किया गया है बाखूबी अच्छे तरीके से। यहाँ फर्शों को भी लगाया गया है, और फर्श में टाइल्स लगाया गया। अब मैं नीचे जमीन में आपको मैं टाइल्स दिखा रहा हूँ, और मैं दीवारों को भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये शायद जरवल ब्लॉक प्रमुख की ओर से ये पहला कदम है दोस्तों, जब कस्तूरबा गांधी बालका विद्यालय का कायाकल्प किया गया, उसको चमकाने का काम किया गया। मैं बाहर से पिक्चर को आपको दिखा रहा हूं, जो फिरोजी और हल्का पीला कलर में इसकी पुताई भी की गई है, पूरा रंग रोगन किया गया। मैं पुस्तकालय रूम में आपको ले चल रहा हूं दोस्तों, पुस्तकालय रूम की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। यहां पर बच्चे पहुंच करके ज्ञान और विज्ञान की किताबों का अध्ययन करते हैं। मैं थोड़ा आपको मनोरंजन के लिए, यहाँ पर टेलीविजन भी लगा हुआ है जिसपे बच्चे कार्टून देखते हैं। और अब मैं आपको आगे सीसीटीवी कैमरे से लैस ये पूरा कस्तूरबा गांधी बालका विद्यालय सीसीटीवी से लैस हाजिरी बॉक्स को आप देख रहे हैं, इसी से हाजिरी होती है। और दोस्तों, जैसा कि मेरे द्वारा ये आपको बताया जा रहा है कि प्रमुख मनीष प्रताप सिंह के विकास कार्यों की सूची में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालका विद्यालय, जिसका कायाकल्प हुआ। मैं ऊपर की ओर पहुंच चुका, जहां पर बच्चे भोजन करते हैं। आरओ भी यहां पर लगा हुआ है, बच्चे शुद्ध पानी पीने के लिए यहां पर इस आरओ का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको एक बोर्ड दिखा रहा हूं, यहां पर भी श्री मनीष कुमार सिंह का एक बोर्ड लगा हुआ है। और मैं आपको अब धीरे धीरे ऊपर की ओर ले चल रहा हूं, यहां ऊपर मैं आपको और जो विकास कार्यों में कायाकल्प हुआ है इस विद्यालय का, मैं उसे आपको दिखा रहा हूं। यहां पर फर्श देख रहे हैं, ये बाहर का हिस्सा है और ये छत का हिस्सा है।
इसका भी यहाँ पर कायाकल्प किया गया है। ये फर्श आप देख रहे पूरी तरीके से टाइल्स, यहाँ पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है। ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो जरवल विकास खंड के अंतर्गत नेपुरवा ग्राम पंचायत के पास स्थापित है दोस्तों, और ये बहुत गड़बड़ हालत में था। इसकी पुताई व फर्श की हालत बहुत दयनीय थी, जिसे गंभीरता से लेकर के जरवल प्रमुख मनीष प्रताप सिंह ने अथक प्रयास से इसे कायाकल्प करवाया है। इसका पूरा रंग रोगन साफ सफाई तथा जहां भी टूटा फूटा था उसका पुनः निर्माण किया गया है दोस्तों। अब यहां पर आप देख रहे हैं बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर, यहां पर जो ट्रेनर आए हुए हैं वो यहां पर बता रहे हैं। ये देखिए सामने दोनों ट्रेनर मौजूद हैं जो इस वक्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मौजूद हैं, और यहां पर छात्राओं को यहां पर आत्म रक्षा के गुर यहां पर सिखाए जा रहे हैं कि आपको कैसे किसी से मुकाबला करना है, कैसे बचना है। यहां पर देख रहे हैं ये यहां पर जो एक कूफा भी सिखाया जा रहा है बच्चों को, छात्र छात्राओं को आपातकाल में पूरे साहस के साथ निपटने के लिए, लड़ने के लिए इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे बेटियां सुरक्षित रहें, क्योंकि जब बेटियां सुरक्षित रहेंगी तो देश सुरक्षित रहेगा। ये दोस्तों आप देखते हैं ट्रेनर ने फिर बताया, बेटियों को बताया कि जब कोई दुश्मन आपसे मुकाबला करने की कोशिश करे या आपसे भिड़े तो उससे कैसे निपटना है। आप देख रहे हैं ट्रेनर यहां पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर छात्राओं को, बेटियों को यहां पर आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं। ये सभी वीडियो आप देख रहे हैं जनपद बहराइच गोंडा श्रावस्ती बलरामपुर आज का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल न्यूज न्यू इंडिया के सौजन्य से। इसे शेयर भी करते रहे, धन्यवाद। ये सभी रिपोर्ट चरवल बहराइच से।